आज हमें आपके सामने आना पड़ रहा है। जो कांग्रेस की बौखलाहट है आज पूरे प्रदेश से ले लीजिए राजधानी तक, जो कांग्रेस की बौखलाहट है उसके बारे में हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कुछ चीजें। सबसे पहले मैं दिवाली के पटाखे अभी शुरू हो गए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, कल शाम को प्रतिभा सिंह जी ने एक विवादित बयान दिया हमारे पत्रकार मित्रों के लिए, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा उसकी पूर्ण निंदा करती है और ऐसा व्यवहार वो पहले भी पत्रकारों के समक्ष करते आए हैं और ये उनकी रजवाड़ा शैली सोच को दर्शाता है कि उनको जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसके बारे में कोई उसको रिस्पेक्ट नहीं है। वो जो उनके मन में आता है वैसे करते हैं, फिर कहते हैं पत्रकार मित्रों पर अपने बयान को कहते हैं कि तोड़ मोड़ कर पेश कर दिया। तो आज उनसे ये प्रश्न है कि ये उनकी जो बौखलाहट है चौथे स्तंभ के लिए उसका कारण क्या है। तो जो उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो अपने परिवार को सबसे सर्वश्रेष्ठ रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के बाद कांग्रेस का कोई हिमाचल में संचालन करे तो वो प्रतिभा सिंह जी और उनका बेटा विक्रमादित्य सिंह करे। लेकिन जब वो हो नहीं पाता तो ऐसे ऐसे बयान वो पब्लिक में देते हैं, तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जब कोई पत्रकार उनसे परिवारवाद के बारे में पूछना चाहता है तो उनका ये ऐसा रवैया क्यों रहता है, हम उनसे ये भी प्रश्न करना चाहते हैं आज कि उनका ऐसा रवैया क्यों रहता है, बार बार वो ऐसे बयान क्यों देते हैं। तो एक तो ये पूरी तरह से दर्शाता है कि उनका जो पार्टी के ऊपर होल्ड है वो है नहीं। पार्टी काफी ध्रुवों में बट चुकी है, कोई सुकू कैंप है, कोई कौल सिंह है, वहां से मुकेश अग्निहोत्री है, वहां से कल हर्षवर्धन जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कि मैं भी मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ, जबकि प्रतिभा सिंह जी कहती हैं कि मैं ही सबसे प्रबल दावेदार हूँ। तो आज ये प्रश्न बहुत ही अहम है हिमाचल की जनता के लिए कि कांग्रेस को आगे लेकर कौन जाएगा, इसका उत्तर हम अपने कांग्रेस के मित्रों से आज जानना चाहते हैं। दूसरा जो मेरा विषय है वो कल मुकेश अग्निहोत्री जी ने भी बड़ी अमर्यादित टिप्पणियां भाजपा के लिए करी, कभी कहते हैं इनको हरिद्वार नहीं नाले में फेंक दो। तो ये क्या दर्शाता है, क्या उनकी बौखलाहट नहीं दिखा रहा आज कि वो हार देख रहे हैं आने वाले चुनाव में और ऐसी अमर्यादित टिप्पणियां भाजपा के लिए कर रहे हैं। तीसरा उनके एक नेता हैं कुल्लू से सुरेंद्र ठाकुर, कल उन्होंने भी प्रधानमंत्री के लिए एक बयान दिया, प्लस वोटर महिला वोटरों को कह रहे हैं कि आप ये गारंटी पत्र साइन करिए तब हम आपको वो 1500 रुपए जो कांग्रेस की गारंटी है देंगे और कांग्रेस को वोट भी दिए। तो ऐसे हथकंडों से क्या आप इलेक्शन जीतना चाहते हैं, ये आज एक बहुत बड़ा प्रश्न है हिमाचल की जनता के लिए। उसके विपरीत आप हमारा लीडरशिप ले लीजिए, हमारा नेतृत्व ले लीजिए, हमारे शालीन मुख्यमंत्री को देखिए, कभी उन्होंने किसी से ऐसा कोई व्यवहार नहीं करा है और हम एक सुदृढ़ नेतृत्व को लेकर हिमाचल को आगे लेकर जाने के लिए अग्रसर हैं। और इसके लिए हमारे पास नीति भी है, नियत भी है, विजन भी है, पॉलिसीज भी हैं, प्रोग्राम्स भी हैं जिनको हम हिमाचल में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो परिवारवाद की बात है कांग्रेस में, तो आज 25 ऐसे परिवार हैं, 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 25 ऐसे परिवार हैं जो सत्ता संघर्ष में लगे हैं। कभी उनका उनके पिताजी इलेक्शन लड़ते हैं, कभी उनकी बहू इलेक्शन लड़ती है, तो कभी उनके बेटा इलेक्शन लड़ता है। तो क्या कांग्रेस के पास ये जवाब है कि क्या युवा नेतृत्व आज प्रदेश में नहीं है, है तो वो क्यों नहीं उनको टिकट दे रहे। पूरा युवा कांग्रेस आज बिखरा हुआ है। आज भी मेरे को सुनने में आया मीडिया रिपोर्ट से कि काफी सारे लोग आज इस्तीफा देने के लिए हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न आज प्रदेश के युवाओं के लिए भी है कि क्या आप एक ऐसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो युवाओं का बिल्कुल समर्थन नहीं करती है और उनको आगे ले जाने के लिए ना उनके पास विजन है। अब अच्छे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 80 से ऊपर अभी भी चुनाव लड़ने के लिए और मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं, तो इसका जवाब भी आज हमें कांग्रेस से चाहिए। तो आज यही था बेसिक मुद्दा।
तो आप सबके माध्यम से आज कांग्रेस से यही प्रश्न है कि वो क्यों इतने बौखलाए हैं, क्यों ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं, क्या वो युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएंगे, या फिर वही 25 परिवार कांग्रेस की राजनीति को और आगे लेकर जाएंगे। धन्यवाद। देखिए उसमें कुछ टेक्निकल बीच में विषय आ गए थे, नगर निगम का चुनाव भी होगा और वो भाजपा ही जीतेगी, आपको मैं वो आश्वासन देता हूँ आज।